पुत्र जी चुप हो जाओ। पर मम्मा कहाँ गई है मम्मा बताओ ना। पहले आप रोना बंद करो। प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं पुत्र। तो यूवी ने ऐसा क्यों बोला पापा? वो क्योंकि ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है और आपको तो पता है आपके पापा हर कंफ्यूजन को हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपके पापा शूं शटाक सॉल्व कर देंगे। पक्का ना? पक्का। पापा मैं मम्मा कहाँ गई है? वो भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने गई है। मम्मा कब आएंगी पापा? कल सुबह आपके पापा आपकी मेहर मम्मा को जरूर लेकर आएंगे। I promise। इसे रोना नहीं, चुप कर जा, okay? पापा, पर हम करण के पास जा रहा। मैं मम्मा ने कहा था कि जब तक मैं नहीं आती तब तक आप करण का ख्याल रखना। ओके ओके। सर अब मेरे को बेल तो मिल जाएगी ना? पता नहीं थी, कल के टी पार्टी में जितनी भी औरतें आई थी सबने मेहर जी के खिलाफ बयान दिया। कह रही थी कि जग्गा जी और मेहर जी के बीच में झगड़ा हुआ और वो उन्हें मारने मारने की धमकियां दे रही थी। उनकी होएगा फिर? चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेहर जी को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी और मेरे बच्चों की दुनिया मेहर जी के बिना है ही नहीं। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें। मेरे पास टाइम बहुत कम है, कुछ नहीं होने दूंगा। मामा जी लिए रब से भी बढ़कर हो। मेरा वेट करी हुए मैं महर से मिलके बस यूं गया और यूं आया। एक बार मुस्कुरा दीजिए ना, कल रात से आपका ये फूलों सा चेहरा मुरझाया सा है। अब ये मुस्कुराहट आपको शाम को ही देखने को मिलेगी जग्गा वीजी से मिलने के बाद। प्लीज मुझे मेरे वीर जी के पास ले चलो। अंतिम दर्शन करवा दीजिए प्लीज सर जी। आप प्लीज करण के साथ ही रहना जब तक मम्मा नहीं आती। तुम दोनों ना मेरी ताकत हो, मेरी जान हो, और मेरे कंधे होए जो अपने वीर जी का सारा बोझ उठाएंगे।
एक दिन तू पापा से भी बड़ा हो जाएगा। अभी तेरा प्यो तेनु घुमा रहा है, तो वड्डा होके ना तू अपने प्यो को घुमाइयो। बहुत प्यार आ रहा है तेरे पे। प्यार करने के लिए ना पूरी उम्र पड़ी है। ओए मेरे को जीना तेरे संग है, ते मरना भी तेरे संग है अमृता। हेलो, हाँ मिस्टर मेहता, बेल मिली? बेल तो नहीं मिली मिस्टर गिल, लेकिन मेहर जी को उनके भाई के आखिरी दर्शन की परमिशन मिल गई है और शायद वो कुछ ही देर में शमशान घाट पहुंचने वाली होगी। बाकी केस की सुनवाई लंच के बाद आज ही है। ओके थैंक यू। तूने सोचा भी कैसे कि तिया का त्योहार है और तेरे वीर जी तुझे झूला झुलाने नहीं आएंगे? किसने भेजा? मेरी मेहर को मारोगे? मेरी मेहर को मारोगे? मैं जी, संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए। मैं जी बिट्टू रानी, मेरे जग्गा के कातिल को दफा करो यहां से। मम्मी जी, आपको लगता है कि मैं फिर जीगी? नहीं मम्मी जी, मैंने अपने वीर जी को नहीं मारा। आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हो?
पीछे जान दे मेरी, और मैं उनकी मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने वीर जी को नहीं मारा है। आप सबको लगता है कि मैं वीर जी की कातिल हूँ? जो हाथ वीर जी की लंबी उम्र मांगने के लिए उठते थे, वो हाथ वीर जी को कैसे मारने के लिए उठ सकते हैं? सरब जी, आपको भी यही लगता है कि मैंने वीर जी का कत्ल किया है? नहीं मैं जी, तुम दोनों को भी ऐसे ही लगता है क्या? तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? भाभी, भाभी, भाभी कम से कम आप तो प्लीज, भाभी, प्लीज भाभी। छड़ अमृता, छड़ इसको, इसे तो रब सजा देगा, इसे इसके पापों का फल रब देगा। ये कुड़ी की हिम्मत तो देखो, पहले वड्डे भाई नूं मारा दिता, हुण जायदाद दी लालच इत्थे तक आ पहुंची। बेचारे बच्चे दे सिर तो छाप पे ओदा साया ही चक दिता इसने, और बेचारी अमृता को विधवा कर दिया, और यूवी को अनाथ, बच्चे को अनाथ बना दिया। इसके बच्चे भी तो सारी जिंदगी कातिल के बच्चे ही कहलाए जाएंगे। निकालो इसको बाहर, हम नहीं करने देंगे इसको जगह का अंतिम संस्कार। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, सारा सच रब जानते है, मैंने अपने वीर जी को नहीं मारा। एक बात और, मैं यहाँ से अपनी वीर जी की शक्ल देखे बिना नहीं जाऊंगी। हक है मेरा, बहन हूं मैं उनकी, इकलौती बहन। मैं जी, मम्मी जी, खबरदार अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो आज यहां एक नहीं दो चिताएं चलेगी। मम्मी जी, ये तो भैर जी के कपड़े और तस्वीरें हैं, ये तुसी की कर रहे हो? ऐलान, आज इस घर में दो मौतें हुई है, एक मेरी जग्गा दी ते दूजी मेहर कौर गिल दी। किसी कीमत पर मैंने इसे अपने जग्गे के अंतिम दर्शन नहीं करने देने हैं। सरब जी, जी महर जी, चलिए यहां से। नहीं सरब जी, जी मैं अपने वीर जी को पीठ दिखा के नहीं जा सकती, प्लीज मुझे एक बार अपने वीर जी की शक्ल दिखा दो। मैंने अपने वीर जी को नहीं मारा,
जाऊंगी मैं, मुझे मेरी बेटी की चक्कर दे। मम्मी जी प्लीज प्लीज मुझे बीजी की शक्ल मेहर कौर के मेरे लिए उसी वक्त मर गई थी जिस वक्त उसने मेरे जग्गे का कत्ल किया था। आज के बाद सोते जागते बस मैंने एक ही बात सोचनी है कि मेरे पापा को मारने वाले पूरे खानदान को कैसे खत्म करना है। ठीक है मेरे बीच आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। आपकी पेशी का टाइम हो गया। जी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। मैं जानता हूं आप बेगुनाह हैं और मैं साबित करके रहूंगा। बस एक बार सच सबके सामने आ जाए और आप बेकसूर साबित हो गए तो फिर सब आपको माफ कर देंगे। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। आपको वापस आना होगा मेरे लिए, परम के लिए, करण के लिए।